हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केज रखा हुआ है और उस पर बैठा हुआ है एक तोते का बच्चा। तो फ्रेंड्स, आपने जो ग्रीन तोता देखा होगा तो उसकी जो चोंच होती है वो रेड होती है, लेकिन इसकी जो चोंच है वो पीली चोंच है। ये अभी लगभग 15 से 20 दिन का बच्चा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये कहाँ से मिला। फ़िलहाल ये हमको नहीं मिला, हमारे गांव का एक लड़का, दो बच्चे जो केज दिख रहा है आपको, इसी में रख रखा है, वो उनको खिलाता पिलाता है। फ़िलहाल वो गया था खेत की तरफ घूमने, तो वहाँ पे एक सूखे पेड़ की कटाई हो रही थी, तो वो वहीं पे खड़ा होकर देख रहा था। तब जब वो पेड़ कट के नीचे गिरा तो उस पेड़ में इन तोते का घोंसला था। तो जब पेड़ कट के गिरा तो जहाँ पे इसका छेद था, जहाँ पे घोंसला बना हुआ था, वहीं से पेड़ टूट गया। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम केज को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसी की तरफ भाग रहा है, इनको लग रहा है यही मेरा घर है। तो फिलहाल जब वो पेड़ कट के गिरा तो जहाँ पे इसका घोंसला था पेड़, वहीं से टूट गया। टूटने के बाद उसमें से चार बच्चे आकर बाहर गिरे, दो की मौत तो वहीं पे हो गई थी तुरंत, उनको चोट ज़्यादा लग गया था। इनको तो थोड़ा हल्का फुल्का चोट लगा था, तो वो लड़का इनको उठा लाया और लाने के बाद अपने घर पे रखा था और अभी भी रखा ही है। तो फ्रेंड्स, इसको वो सिर्फ जो गेहूं का आटा होता है उसको उसमें पानी मिला के खिलाता था। तब तक हमको खबर लगी तो हम उसके घर पहुंचे और उसको इनको फीडिंग का तरीका बताया, इनको खिलाने का तरीका बताया कि इनको कैसे जिलाया जा सकता है। तो हमने उसको एक सेरेलेक ला के दिया और उसको ये बताया कि इसमें पार्ले बिस्किट और सेरेलेक दोनों मिला के और जो सिरिंज आती है उसमें भर के इनको खिलाओ, ताकि ये बड़े हो सकेंगे और ये इनको आज़ाद कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, वही वो लड़का सेरेलेक खिला खिला के देखो इनको इतना बड़ा कर दिया है। फिलहाल इसमें देखो दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक तो ये वाला बड़ा है और जो दूसरा वाला है वो छोटा है। कम से कम 4 से 5 दिन का अंतर है दोनों में। तो फिलहाल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, और हमने तो ऐसे तोता अभी तक नहीं देखा। ग्रीन तोता देखा है, उसकी जो रेड चोंच होती है उनको देखा है, बट ये पीली चोंच वाले नहीं देखा है। फिलहाल देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, और ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं रेड चोंच के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी बहुत छोटा है, कम से कम इनको अभी भी लग जाएगा एक महीना, 1 से 1.5 महीना लग जाएगा उड़ने के लिए। फिलहाल वो लड़का तो यही कह रहा है कि जब उड़ने वाला हो जाएगा तो हम इनको आज़ाद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो मेल फीमेल होते हैं, जो मेल होता है उनकी पूरी खोपड़ी रेड हो जाती है और काफ़ी सुनहला कलर हो जाता है, उनका देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो फीमेल होती है उसकी जो खोपड़ी होती है वो रेड नहीं होती है। तो फिलहाल अभी ये बच्चे हैं इसमें, अभी ये पता नहीं चल सकेगा, हमको तो फिलहाल नहीं पता चल सकेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। और इनको लग रहा है कि ये यही केज जो है यही हमारी दुनिया है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हम पेड़ से नीचे गिरे हैं और कौन हमको लेके आया है, कौन खिला रहा है कौन पिला रहा है। फिलहाल इनके हिसाब से जो इनको खिलाता पिलाता है वही इनके माँ बाप हैं। तो फ्रेंड्स, देखने में काफ़ी अच्छे क्यूट। तो हम जब तक ये आज़ाद नहीं हो जाते, जब तक ये उड़ने लायक नहीं हो जाते, हम इस लड़के की पूरी मदद करेंगे इसको खिलाने पिलाने में। और इनको और मेरी ऊपर वाले से दुआ यही रहेगी कि ये बड़े हो जाएं, उड़ने के लायक हो जाएं और ये अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी जी सकें अपने ग्रुप में जाकर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी दुआ करिएगा कि ये सही सलामत जल्दी से बड़े हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये हमारा काम पसंद आया हो, अगर ये तोते आप लोगों को पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।